नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए, आज हमारे जो ये श्रृंखला जो चल रही थी वर्षफल वाली, उस श्रृंखला का आखिरी वीडियो है, यानी कि 12वां नंबर का वीडियो है। इसमें मैं आपको मीन राशि के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले की जो सारी 11 राशियां हैं उनके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, और इस उन वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष आपको नए उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि, भवन, पूंजी, श्रम के साधन की सहज उपलब्धता प्राप्त होगी। नौकरी में पिछली रुकी हुई पदोन्नति मिल सकती है, यानी कई दिनों से अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो इस बार आपको मिल सकता है। जून से सितंबर के मध्य व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से ऐसी सभी समस्याओं का समाधान भी संभव होगा। व्यावसायिक मामलों की उन्नति होगी। संपत्ति प्राप्ति तथा वर्तमान संपत्ति का विस्तार होने की संभावनाएं। आपके चाहे गए स्थान पर दुकान, गोदाम, शोरूम प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यानी जहां पर आप चाहते हैं कि यहां पर मेरी दुकान हो या शोरूम हो, वहां पे आपका ये दुकान शोरूम हो सकता है। साझेदारों से विवाद बनेगा। घर में सदस्यों की संख्या संतान पक्ष के बाहर जाने की वजह से घटेगी। हो सकता है आपके घर में जितने सदस्य हो उसमें से कोई सदस्य बाहर चला जाए, आपके घर से बाहर चला, मतलब किसी काम के सिलसिले में बाहर चला जाए। घर में मांगलिक कार्य होने से रिश्तेदार का आकर लंबे समय तक आपके यहाँ रहने का योग घटित हो सकता है। मांगलिक कार्य, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने के भी संकेत हैं, यानी हो सकता है आपके घर में कोई शादी विवाह भी हो जाए। सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। पुराने मर्ज, विशेषकर कफ, बात, मूत्राशय संबंधी विकार कष्ट आपको दे सकते हैं। मार्च से मई के बीच घाटादि की संभावना है। इस वर्ष नौकरी में पुराने स्थान पर वापसी का भी संकेत है। हो सकता है कहीं से आपने नौकरी छोड़ दी, वहीं पर आपको वापस नौकरी मिल सकती है। दूर दराज की यात्रा होगी। किसी विशेष कार्य से लंबे समय तक घर से बाहर रहना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़े श्रम के बाद ही लाभ मिलेगा। अगर ये आप सब चाहते हैं तो आप हनुमान जी की आराधना आपको करना चाहिए, गुरु मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, एवं फलदार पौधे जो है, फलदार वृक्ष जो है, वो आपको जरूर लगाना चाहिए। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, उसमें दी गई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे से ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे जी आज्ञा। जय हिंद।